हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे देखिए, मैंने मेहंदी लगाया है, बस ऐसे ही मूड कर गया। अभी बैठे बैठे मैंने एक डिज़ाइन देख लिया मोबाइल पे और मेरा मूड कर गया कि मैं भी मेहंदी लगा लूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने, कम से कम 4-5 साल के बाद मैंने लगाया होगा। और नौशाद को बहुत पसंद भी है मेहंदी, इसीलिए मैंने लगा भी लिया कि दुबई जा रही हूँ तो लाओ लगा लेते हैं। और यहाँ पर नौशाद का ना बर्थडे है 3 तारीख को, जिस दिन मैं वहाँ पहुँच रही हूँ उसी दिन है। तो उसके लिए ना बच्चों ने एक गिफ्ट दिया है कि अब्बू को दे दीजिएगा। तो यहाँ पे ये कप ना पूरा ब्लैक था और ब्लैक कप में प्रिंट करवाया गया है फ़ोटो को, तो जब इसमें गर्म पानी डालते हैं तो इसका फ़ोटो ना दिखता है। और जब ठंडा रहता है, मतलब जग, तो इसका ये पूरा जग जो है, यानी कप, पूरा ब्लैक ही रहता है। उसके बाद मैंने दूसरे दिन शूट किया और दूसरे दिन मुझे बनाना था चिकन टिक्का, तो चिकन टिक्का मसाला। तो उसके लिए मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रीन चिल्ली ले लिया है 6 से 7। आपके अगर तीखी मिर्च हो तो कम लीजिएगा, मेरा जो मिर्च है ना वो तीखी नहीं है, इसीलिए 6 से 7 मिर्च ले लिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए, क्यूब में मैंने लिया है धनिया पत्ता। जो धनिया पत्ता आ गया था बहुत सारा, तो मैंने ग्राइंड करके इसे इसमें रख दिया था, आइस बना दिया था। और यहाँ पे जिंजर गार्लिक मैंने ले लिया है थोड़ा सा, तो उसके बाद इनको ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास फ्रेश धनिया पत्ता हो तो आप एक मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा फ्रेश धनिया पत्ता, और जिंजर गार्लिक ले लीजिएगा और हरी मिर्च ले लीजिएगा, और उसका पेस्ट रेडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पेस्ट रेडी कर लिया है मैंने और बॉल हो गया है छोटा, तो दूसरा चेंज कर देंगे क्योंकि। और उसके बाद इसमें अभी हम ग्राइंड कर लेंगे टोमेटो। मैंने 3 पीस टोमेटो लिया है, ये 1 kg की क्वांटिटी है, चिकन 1 kg है मेरा। और उसके बाद इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे कर देंगे साइड। ये देखिए, मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मसाला रेडी करने के बाद अब चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, क्योंकि मैरिनेट करने के मैं फ्रिज में रख दूँगी इसे। और उसके बाद मुझे जाना है पार्लर, तो मैं पार्लर चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैरिनेट करने के लिए मैंने आधा लेमन डाला है और 2 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाल दिया है, 2 से 2.5 चम्मच डालिएगा, ठीक है। और 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून डाल दिया मैंने, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है, 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। 3 से 4 चम्मच मैं इसमें दही डाल दे रही हूँ। अगर आपका दही जो है वो खट्टा ज़्यादा होगा, तो दही खट्टी होगी, तो आप ना लेमन स्किप कर दीजिएगा, और अगर खट्टी नहीं है तो लेमन डाल दीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ही है। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं है तो नहीं डालें। और उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, और इसे मिक्स करके आप आधा घंटा तक मैरिनेशन में रख सकते हैं। मेरे पास टाइम था, मुझे पार्लर जाना था, तो मैंने सोचा इसे मैरिनेट करके पार्लर चली जाती हूँ, तो ये उतना देर में मैरिनेट भी हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग निकल गए पार्लर के लिए, और यहाँ पार्लर हम लोग पहुँच चुके हैं। और हमारा जो पार्लर है वो 3rd फ्लोर पे है, तो हम लोग चले जाएंगे 3rd फ्लोर पे। और ये है लिफ्ट जो बाहर और अंदर दिखता है, मगर बहुत स्लो था, मुझे ऐसा लगा। तो हम लोग पार्लर पहुंच चुके हैं, ये शॉपिंग मॉल वगैरह है, और हमें जाना है पार्लर। और ये 2nd फ्लोर पे ही हमारा लिफ्ट जा रहा था, बस 2nd फ्लोर से आगे नहीं जा रहा है लिफ्ट, जिसकी वजह से हमें लिफ्ट से बाहर आना पड़ा, और अभी फिर सीढ़ी चढ़ के ही हमें आना हुआ।
पार्लर, और उसके बाद पार्लर से हमने जो करवाना था वो करवाया और अभी निकल गए हैं पार्लर से बाहर। और हमें कुछ कुछ शॉपिंग करना था, तो मैंने लेना था फैदू के लिए स्लीपर, क्योंकि उसका स्लीपर जो है टूट गया, तो मैंने सोचा कि फट से स्लीपर ले लेते हैं। और यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है वो बोल रही है लाइबा के लिए सैंडल ले लो, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सैंडल है। तो मैं वहाँ पे बोल रही हूँ कि अभी मैं दुबई जा रही हूँ, दुबई से लेकर आऊँगी ये सब, मैं अभी नहीं शॉपिंग करूँगी। तो मैंने लिया सिर्फ फैदू के लिए स्लीपर यहाँ से, और इनके लिए भी कुछ कुछ शॉपिंग करना था, तो मैंने उन इनका सामान ख़रीदा, मतलब नौशाद का सामान ख़रीदा, और बच्चों के लिए स्लीपर लिया मैंने फैद और लैबा के लिए। और उसके बाद शॉपिंग करने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर, और काफ़ी रात हो गई है, मतलब करीब 8 बज गया है, और हम लोग काफ़ी थक भी गए, और मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों 10-15 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, और हमें जाना भी है और तबीयत भी ख़राब चल रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो अभी मुझे चलने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है, मगर फिर भी हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। वॉक करके हम लोग घर पे आ गए, और घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सीधा सो गई। और दूसरे दिन मैं फिर चिकन टिक्का बना रही हूँ, फ्रिज में ही चिकन टिक्का चिकन मैरिनेट किया हुआ रख दिया मैंने, और सारा मसाला को भी उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया। बोलने में भी मैं हफ जा रही हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पे मैंने प्याज 2-3 पीस मैंने चॉप कर लिया है, अब चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। हमें चिकन डीप फ्राई करना है, इसलिए हाई फ्लेम पे ही आप फ्राई करिएगा चिकन को। मैरिनेट तो समझिए कि बहुत अच्छा से हो गया, क्योंकि पूरा 12 घंटा से 24 घंटा मैरिनेशन में रह गया, तो चिकन और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया। सारे चिकन को हमें डीप फ्राई कर लेना है, और यहाँ पे मैं मसाला सब सारा जो निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मसाला सब मैंने उठा करके फ्रिज में डाल दिया था। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया, और अब इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने चारकोल जलाया और उस पर ऑयल डाल दिया और ढक्कन लगा दिया है। लिड लगा के 10 मिनट तक मैंने स्मोक में रहने दिया, और 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी है चिकन। अब हमें इसका मसाला बनाना है। आप चाहे तो यहाँ पे भी चिकन इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, मगर थोड़ा सा फ्लेम लो में फ्राई करिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पे चिकन गलता नहीं है, तो हाई फ्लेम पे मैंने किया था। और उसके बाद मैंने वही ऑयल यूज़ किया जिसमें फ्राई किया था चिकन, और उसमें प्याज को डालते हुए मैंने प्याज को फ्राई कर दिया। बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया था जो मुझसे स्किप हो गया, और उसके बाद मैंने ये मसाला ऐड कर दिया। ग्रीन पेस्ट जो मैंने बनाया था वो मैंने ऐड किया, और जिसमें मैरिनेट किया था चिकन वो मसाला थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया। अब इसमें ड्राई मसाला ऐड कर देंगे, तो उसमें मैंने 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच के लगभग मैंने दिया है चिकन मसाला पाउडर डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल दीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसमें डाल देंगे अब हम जो हमने टमाटो को की प्यूरी बनाई है, यानी टमाटो पेस्ट जो है वो हम डाल देंगे। अच्छा, साइड साइड की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज मैं दिन में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि नाइट में टाइम नहीं मिलेगा, मुझे सुबह सुबह ही निकलना है, तो हो सकता है साइड साइड से आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं क्या करूँ, दिन में यहाँ ना वॉइस ओवर करना बहुत टफ हो जाता है, और नाइट में काफ़ी नाइट हो जाएगा, मुझे पूरा पैकिंग कंप्लीट भी करना है, क्योंकि सुबह 6 o'clock में ही मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, तो इसीलिए मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना 5 से 10 मिनट मसाला को लो फ्लेम पे पका लिया, और उसके बाद अब इसे भून ले रहे हैं।
तो फ्लेम हाई करके या मीडियम करके आप अच्छे से मसाला को भून लीजिएगा, और भूनने के बाद ही चिकन को डालिएगा। यहाँ पे जो जो मेरा साइड में बर्तन वगैरह रखा हुआ है, मैं सारा चीज़ को सरियाती जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब चली जाऊँगी तो घर पूरा बंद करके ही जाना है। दोनों बच्चे नानी के पास में रहेंगे और मैं और जुनैरा सिर्फ जा रही हूँ। बच्चों को छोड़ के जाना तो टफ है, पर जाना पड़ रहा है, अभी क्या कहें। और उन लोगों का स्कूल है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मसाला को मैंने अच्छे से भून लिया है और उसके बाद मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया है। चिकन को सिर्फ 15 मिनट कुक करिएगा, 15 से 20 मिनट में ही चिकन गल जाएगा, क्योंकि आपने जब फ्राई किया तो थोड़ा सा गल गया है। तो मैंने इसमें भून करके पानी ऐड कर दिया और इसे 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। चिकन यहाँ देखिए 15 से 20 मिनट हो गया और यहाँ टेंडर हो गया है चिकन। अब इसमें मैंने गर्म पानी ऐड किया है, क्योंकि गर्म पानी ऐड करने से कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुकता नहीं है और कलर भी अच्छा आता है। तो आप कोशिश करिएगा कि खाना जब भी बनाए तो गर्म पानी ही ऐड करें। अब देखिए चिकन में बॉयल आ चुका है और चिकन बिल्कुल रेडी है। तो चलिए आज का ना वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।